हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज आप अरवी देखकर समझ ही गए होंगे कि हम अरवी की सब्जी बना रहे हैं। और आप ये देखिए, मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। आप ये देखिए, ये थोड़ी गोल गोल अरवी है। इसको देखकर मुझे लगा कि ये थिक ग्रेवी वाली कोई रेसिपी हम ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो इनको हमने अच्छे से धो लिया है और कुकर में हमने पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया है, पानी डाल दिया है। और जैसे हम आलू उबालते हैं वैसे ही हमें इनको उबालना है। आलू में ज्यादा विसल लगाते हैं, इसमें हमें ज्यादा विसल नहीं लगाना है। तो बिना नमक वमक डाले मैं इसको प्रेशर कुक करती हूँ। एक विसल आने के बाद बंद कर देंगे। और ये 370 ग्राम के करीब अरवी है, मतलब एक पाव से ज्यादा, आधा किलो से कम, 370 ग्राम अरवी है। तो आप सब्जी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुकर को हमने बंद कर दिया है, तो जल्दी जल्दी अगर विसल आती है, मेरे कुकर में जल्दी आती है, तो मैं दो लगाऊंगी और फिर कुकर अपने आप ठंडा होने दूंगी। और अगर आपके कुकर में एक आती है, देर से आती है, तो आप एक ही लगाइएगा, क्योंकि हमें इसको बहुत ज्यादा नहीं गलाना। तो ये देखिए, अरवी जो है वो उबल गई है हमारी। ये देखिए, कुकर अपने आप ठंडा हो गया है। मैंने जल्दी जल्दी दो विसल लगा के कुकर बंद रहने दिया। अब इसका प्रेशर जब खत्म हो गया तो मैंने निकाल दिया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और बस कुछ नहीं है, हम इनको छील लेंगे अच्छे से और इजीली ये छिल जाएंगी। देखिए कितनी आसानी से छिल रही हैं, ये देखिए। तो ये हमारी अरवी जो है ना, ज्यादा गली है और ना ज्यादा टाइट है, कच्ची भी नहीं है। इस तरह से हम सारी अरवी छील लेंगे। ये हमने तीन प्याज को बारीक चॉपर में काट लिया है, दो बड़े टमाटर को भी बारीक चॉपर में काट लिया है, और इसमें हमने एक हरी मिर्च भी डाल दी थी। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। एक हरी मिर्च मैंने ये थोड़ा सा स्लिट करके यहाँ पर ली है छौंक में डालते समय। एक टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लिया है। ये आधा चम्मच मैंने गर्म मसाला लिया है, एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। कुछ हम हींग यूज करेंगे और अजवाइन यूज करेंगे। अजवाइन और हींग डालना बहुत जरूरी है। और तेल हम यूज करेंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी अरवी, ये जो छीलने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है। तो अब हम इसमें अरवी में डालेंगे ये सारे सूखे मसाले। ये मसाला अरवी बनकर तैयार होगी आपकी। ये सारे सूखे मसाले हम इसमें डाल लेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, मसाले अच्छे से इसमें कोट हो गए हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे ऐसे ही। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल लिया है, तेल को डाल लिया है, तेल गर्म हो गया है। और ये जो अजवाइन है हमने हाथ पे लेके इसको क्रश कर दिया है, ऐसे क्रश करके डाल देंगे। और हींग डालेंगे 2 पिंच, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ये कटा प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें प्याज भूननी है ताकि जले नहीं, उसका टेस्ट बरकरार रहे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप मेरी वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरह से हम इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसी में हम ये हरी मिर्च भी डाल देंगे, ऑप्शनल है। और ये देखिए, हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम इसको भून लेंगे। और देखिए, मैंने अरबी को लेके ना एक दो बार ऐसे चाकू से कर दिया है चारों तरफ। आप फोक से भी कर सकते हैं, ऐसे मैंने सारी अरबी में कर दिया है ताकि क्या है, इसमें नमक और ये जो मसाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है,
इनको हम डाल देंगे। 5-6 मिनट रखे हुए इसको हो गया है अच्छे से, तब इसको हम हल्का सा ऐसे फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई। तो अब ये देखिए हम इसको शैलो फ्राई टाइप कर रहे हैं। शैलो फ्राई क्या, केवल 1 टेबलस्पून ऑयल है और ऐसे उलट पलट के हम इसको सेक लेंगे। आप देख रहे हैं ना कलर डिफरेंस, ये देखिए इसमें और इसके कलर में फर्क है ना, देखिए। तो इस टाइप से हम उलट पलट के सेक लेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट बता रही हूँ। ये देखिए प्याज हमारा भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी यहाँ भी डाल देंगे ताकि कलर आए उसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट भुन गया है प्याज। अब हम इसमें डाल देंगे कटा टमाटर। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स और इसको भी पूरा अच्छे से भुनने तक हम इसको पकाएंगे। जब तक हमारा ये मसाला भुन रहा है तब तक मैं आपको ये दिखा दूं ये कितनी फर्स्ट क्लास अरवी 1 से 2 मिनट में हो गई है, चारों तरफ से अच्छे से कोट हो गई है। और खूबसूरती इस बात की ये है कि ये देखिए मसाला अच्छे से इसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि अरवी थोड़ा स्टिकी होती है इसलिए उसमें मसाला जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। बहुत ही यम्मी। गैस को करते हैं ऑफ और मसाला भूनते हैं। और यहाँ डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि जो टमाटर है हमारे वो अच्छे से भून जाएं। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और थोड़ा सा पकाएंगे हम इसको ढककर। थोड़ा सा चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं, और जरा सा पानी डालकर इसको ढककर पकाते हैं। ये देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है टोमेटो ने। इस समय हम अपनी ये अरवी डाल देंगे। और आपको मैं यहाँ बताऊं देखिए कितने अच्छे से ये कोट हो गई हैं, बहुत अच्छे से ये कोट हो गई हैं अरवी हमारी, बहुत अच्छे से पक गई हैं। हाथों पर आटा लगा हुआ था तो मैंने क्लीन कर लिया है। ये देखिए अब हम ये अरवी को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से, आप चाहें तो इसी तरह से भी आप इसको बना सकते हैं सूखी, ये बिल्कुल भी मैशी नहीं होंगी। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी, जितनी हमें थिक रखनी है उतना पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ लगभग 1 बड़ा कप पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे और ढककर इसको पकाएंगे। चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ये यमी सी लगने वाली सब्जी बनकर तैयार है। इसमें हम डालेंगे लास्ट में अमचूर, थोड़ा सा अमचूर डालेंगे 2 इंच के करीब, ये ऑप्शनल है आप चाहें तो डालिए। और सबसे लास्ट में हरा धनिया। गैस को ऑफ करते हैं और प्लेटिंग करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। भाई प्लेटिंग करने के लिए भी मन नहीं कर रहा आज, तो कढ़ाई में ही आप देख लीजिए कि कैसी बनी है।